Yeah. My sites. Okay. So, हम लोग ने लास्ट टाइम खत्म करा था वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर जब मैंने सिर्फ तुम लोग को एक्सप्लेन करा था थोड़ा बहुत रिगार्डिंग द डैशबोर्ड एक्सपीरियंस हम अब चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते रहेंगे आज की uh, प्रॉबेबली मुझे लगता है एक और क्लास होनी पड़ेगी बिकॉज मैं वैसे ये चाह रहा था कि आज की क्लास में मैं खत्म कर दूँ वेबसाइट के ऊपर टॉपिक बट आई थिंक सिर्फ एक क्लास और स्केज होनी होगी ओवर वेबसाइट बिकॉज टाइम बारह बजे जो है वो सनी भाई का सेशन स्टार्ट होना है ऑन सेम जूम आई डी तो एक सेकेंड रुकीगा मैं जरा आप लोग को ठीक है जी सो लास्ट टाइम मैंने आप लोग को इसका थोड़ा सा लुक एंड फील नो हाउ वगैरह बता दिया था इसको और हम डिटेल में लेके चलेंगे लेट्स गेट ऑन विद इट वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बाद वर्डप्रेस अपडेट सर्विसेज की तरफ आते हैं ठीक है सो so, वर्डप्रेस अपडेट सर्विसेज जो होती हैं दे हेल्प यू इंडेक्स जो भी आपका वर्डप्रेस पे जो है ना जो भी कंटेंट uh, आता है जो भी कुछ आता है वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइट्स को सर्च इंजन सोशल मीडिया साइट्स और सबको प्री एग्रीगेटर्स अभी मैं बताता हूँ प्री एग्रीगेटर्स क्या होते हैं उनको जो है ना बेसिकली बताता है बाय डिफॉल्ट के अभी मेरे पास ये कंटेंट आया हुआ है सही है और उनको पिंग करके बता देता है ठीक है इट ऑल्सो है फॉर एग्जाम्पल के अगर आपने किसी वेबसाइट के बारे में अपनी वेबसाइट पे बात करी है या अपने किसी आर्टिकल में बात करी है तो उनको भी पिंग करता है तो देर लिस्ट ऑफ वर्ड प्रेस अपडेट सर्विसेस और ये मैं आपको बता दू कि काफी लोग करते क्या है काफी लोग करते क्या है कि इसको ना छेड़ देते हैं वर्ड प्रेस अपडेट सर्विस को मैं बस एक आप लोग दे देता हूँ खुद से कुछ चीज आप लोग आपका कोई कजन आपका कोई दोस्त कोई इस इंडस्ट्री से होगा तो वो आपको सजेस्ट करेगा अरे यार इस लिस्ट को बढ़ा दो ठीक है आई वुड नॉट रिकमेंड यू डूइंग सेकंड रुकना डोर मैं जल्दी से बस चेक करके आ रहा हूँ मोमेंट Just give me a moment. I'm sorry. So, um, WordPress update services जो होता टिंग सेटिंग्स में under settings. राइटिंग settings में, में जाओगे और सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आ रहा होगा बाई ये तुम लोग के पास लगा हुआ होगा पेंगोमेटिक जो है वो एक काफी मशहूर सर्विस है जो WordPress use यूज कर रहा होता है एंड हैज बिन यूजिंग इट फॉर इस नाउ मैं को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा हो सकता है कि तुमको मैं फिर बता रहा हूँ तुमको रिकमेंड करे कि यार और सर्विस डाल दो ये डाल दो वो डाल दो तुम्हारी सर्च साइट बहुत अच्छी रैंक होगी इससे काफी चीजें स्क्रू अप भी हो जाती है और कभी कभी एक किसी आ, एक खास साइट के ऊपर मल्टीपल पिंग्स जानी लगती हैं या स्पैम साइट्स भी कभी कभी पिंग uh, होने लगती है तो उससे क्या होता है आपकी साइट ब्लैक लिस्ट हो जाती है दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट काफी लोग इसके ऊपर जाते हैं जब नए नए एफिलियेट मार्केटिंग या कोई अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो उनके, उनको इसके बारे में पता चलता है और वो यहां पे चीजें ऐड कर देते हैं ये सोच के ओवर एक्साइटेड होकर यहाँ पे मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मेरी साइट जो है वो जल्दी लिस्ट होगी अपने खास की के ऊपर सो डू नॉट डू दैट ये सिर्फ और सिर्फ प्री एग्रीगेटर्स यस एग्जैक्टली वी अच्छा प्लीज uh, so we need to uh, this only <coughs> basically sends ping to pre-aggregators, search engines and social media websites theek hai leave it as is as for uh, what are pre-aggregators 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 are basically websites jo अप किसी खास niche में भी होती हैं और generic जन, जन, भी होती हैं वो करती क्या हैं कि वो अगर आज आपका कोई content डाला है वो ऑटोमेटिकली आपका और कंटेंट उठा के जो अपनी वेबसाइट पे पूरा एज इट इज नहीं डालेंगी इट्स नॉट अबाउट प्लेजरिज्म वो सिर्फ पब्लिक एक सोर्स होता है वेबसाइट का जहां पे द पब्लिक कैन जस्ट गो ऑन दैट वेबसाइट एंड फाइंड दैट गिवन इंफॉर्मेशन और फिर वहां से आपको बेसिकली बैक लिंक्स मिल रहे होते हैं ऑटोमेटिकली ठीक है uh, तो This is about WordPress update services. So yeah, uh, so that's that. I just wanted to explain you what that is and why you're not supposed to touch it. Leave it as is. Reading settings. Do not select full text, else scrapers uh, can copy your full content off of your website and put them on their website as it is. Settings में जाने के बाद reading में जाओगे तो यहाँ पे तुमलोग का summary नजर आएगा. एक बार तुमलोग को करके दिखा देता हूँ. ये WordPress का तुमलोग का पूरा dashboard है, backend है. यहाँ पे तुमलोग reading में गए, reading में जाने के बाद

और तुम लोग फुल टेक्स सेलेक्ट करके अपनी कॉन्टेंट डालते रहते तो होता क्या है अभी मैं इसको वापस समरी पे कर रहा हूं, कर रहा हूं। तुम लोग को समरी पे सेव पेजेस करने इसका एक है। इसका होता है कि आप लोग ने फीड्स के बारे में सुना होगा आप क्या कर सकते हो बहुत सारी वेबसाइट्स और तकरीबन हर वेबसाइट अपनी आर एस एस फीड्स दे रही होती है मतलब जो भी कॉन्टेंट उस वेबसाइट पे आएगा मैं उसको सब्सक्राइब कर सकता हूँ कि यार लेट्स सपोज याहू पे

um, you don't want that happening okay you don't want your full contact uh, content to be copied just as easily jaise yahan pe agar aap click kar doge to bahut easy ho jata hai scrapers ke liye you don't want that happening so in order to avoid that you need to click on summary and once you click on summary and save changes अब वो सिर्फ समराइज कंटेंट होगा बहुत छोटा सा जो कि जो है ना आपका आरएसएस फीड्स के ऊपर आएगा ठीक है, दिस इज बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बट यू जस्ट कांट मिस ऑन इट सही है एंड आगे चलते ये भी मैंने यहां पे एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है रीडिंग सेटिंग्स का सेकेंड पार्ट जो है वो ये है कि क्रिएट अ पेज होम एंड देन कम बैक टू रीडिंग रीडिंग सेटिंग्स ठीक है सेट दिस पेज ए स्टैटिक पेज एज वी डोंट वॉन्ट टू ट्रीट दिस एज अ पोस्ट You need to do this. कुछ लोग इसके बगैर भी करते लेकिन I've done this. तुम को एक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां करा हुआ है पेज के नाम से सही है ये पेज क्रिएट करने के बाद इट्स रियली इजी ठीक है मैं अभी क्रिएट नहीं करा एक मिनट रुकिएगा। के बाद तुम लोग के पास यहाँ पे मैं सिर्फ तुम को दिखा देता हूँ रख, कुछ भी नहीं डाला तुम और तुम लोग ने ये बस एज इट इज एड कर दिया ठीक है अच्छा होम पेज पर यू डू नॉट वॉन्ट टू सी कॉमेंट्स टू इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉमेंट्स तुम लोग ने सपोज यहाँ पे होम रखा और पब्लिश कर दिया इसको ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पर ठीक है लेकिन मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉमेंट्स यू नीड टू स्क्रॉल डाउन एंड यू हैव टू अगर ये टिक हुआ होगा तो यू हैव टू अनटिक दिस ठीक है टॉप पर स्क्रीन ऑप्शन हैं यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट तुम लोग के पास डिसेबल हुआ हुआ होगा बाय डिफॉल्ट ये चीजें तुम लोग के पास डिसेबल हुई भी होंगी ठीक है तुम लोग को एनेबल करनी है जिस तरह मेरे पास आ रहा है इनेबल करने के बाद डाउन उसके बाद तुम लोग को कॉमेंट्स का एरिया नजर आ रहा होगा एंड इफ ऑलरेडीड एक बार तुम लोग ने इसको पब्लिश कर दिया देन गो बैक इन टू सेटिंग्स रीडिंग में जाने के बाद योर होम पेज डिस्प्लेस अ स्टेटिक पेज इसके ऊपर क्लिक करो और होम पेज पे सेलेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास और तुम्हें क्या चीज एज अ होम पेज सेलेक्ट करना फ्रॉम योर पेजेस You have to click on home and save changes. These are some of the prerequisites to start off. Things can be done differently, but I'm just letting you know, okay, this is some, some of the stuff that most people are doing it, so I'm just letting you know. ओके नाउ डिस्कशन सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं डिस्कशन सेटिंग्स में तुम वर्ड प्रेस कॉमेंट ब्लैक लिस्ट अब वो तुम लोग बता देता हूं मैं अच्छा सो हेज द थिंग यहां पे मैं बहुत सारा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा लेकिन मैं तुम लोग को जल्दी जल्दी बता देता हूं कि डिस्कशन सेटिंग्स में करना क्या है तुम लोग को डिस्कशन सेटिंग्स में जाना है और तुम लोग को जिस तरह मैंने ये सारे टिक और अनटिक करे हुए हैं तुम लोग को ऐसे रखना है इसमें से काफी सारे तुम लोग के पास टिक हुए हुए होंगे काफी सारे तुम लोग के पास अनटिक हुए हुए होंगे तुम लोग को ऐसे सेटिंग्स रखनी है जैसे मैंने रखी हुई है डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स अटेम्प्ट टू टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक्स योर टू फ्रॉम योर फ्रॉम द पोस्ट तो अगर कोई लिंक तुम लोग डालते हो अपने पोस्ट पे और किसी ब्लॉग का रेफरेंस डाल रहे हो और तुम लोग उसको बैक लिंक दे रहे हो तो वो ब्लॉग खुश होकर कभी कभी तुम लोग को बैक लिंक दे देता है तो तुम लोग ये चीज करना ठीक है अटेम्प्ट टू भी ब्लॉग से एक लिंक मिल रहा होता है तो आप यू एक अच्छे मतलब प्रैक्टिस uh, आप उसको लिंक प्रोवाइड कर देते हो एट टाइम्स और आपको इस बात की नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि उस वेबसाइट ने आपको एक लिंक दिया ठीक है, तो डू दिस क्लिक इस इसपे टिक कर दो कि के इन केस आप आप दूसरे लोगों को बताना चाह रहे हो कि भाई आ, आ, आपने उनको बैक लिंक दिया है अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर एंड ऑन न्यू पोस्ट वैसे एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप क्लिक करो लेकिन इसको अनटिक करना जरूरी है इसका रीजन ये है कि काफी सारे आ, जो स्पैमर्स होते हैं और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आप को बैक लिंक देते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि उस वेबसाइट से आपको बैक लिंक मिला है और जैसे ही आप उनको बैकलिंक दोगे फॉरन से आपका बैकलिंक हटा देंगे तो ये चीज मत करना इसको कर दो। Allow people to submit comments on new post. ठीक है? ये जरूर कर दो कुछ चीज सेल्फ सेल्फ-एक्सप्लेनेटरी है तो आई वोट बी गोइंग थ्रू देम कॉमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ई मेल तो जो भी कॉमेंट कर रहा होगा टू प्रिवेंट स्पैमीड टू फिल आउट देर ई their name। नेम must मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू We वी आर गोइंग टू this। प्योर प्रेफरेंस लेकिन मैं समझता हूँ लोगों को रजिस्टर करना जरूरी हुआ कॉमेंट कर, करने के लिए तो एक बहुत बड़ा हैसल हो जाएगा काफी लोग कट जाएंगे और कमेंट और एंगेज नहीं करना चाहेंगे आपके पोस्ट के साथ तो काफी ये फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है एट टाइम्स ऑटोमेटिकली क्लोज कॉमेंट ऑन ओल्डर कोकीजटन चेक बॉक्स तो अब

सब लोग ने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करा था इंक्लूडिंग गूगल तो उस उसमें काफी सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आ गई थी गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से कि अब वेबसाइट्स को जो है वो अपने टर्म्स ऑफ सर्विस प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन करना होगा कि वो यूजर का डाटा किस तरह ले रहे हैं और वो किस तरह यूज कर रहे हैं ठीक है तो आई जस्ट गिविंग गिविन यूफ की है क्या चीज तो अब क्या होता है कि जब आप कॉमेंट करते हो तो आप उनका ई मेल और नेम ले रहे हो लेकिन क्या आप सेव कर रहे हो अपने पास तो अगर आप सेव कर रहे हो मैंने इसको अनटिक करा हुआ अगर मैं इसको टिक करता हूं कि हाँ मैं सेव कर रहा हूं एज एन ऑप्टेन एक तरह से लीड जनरेट कर रहा हूं कमेंट के साथ साथ एक तरह से ये समझो तो उनके कमेंट बॉक्स जो होगा ना उसके नीचे एक छोटा सा टिक आ रहा होगा ठीक है एक छोटा सा टिक आ रहा होगा उस उस टिक पे लिखा होगा कि मैं आपकी इजाजत से आपका ईमेल और आपका नाम ले रहा हूं अगर उन्होंने पढ़ा और उन्होंने टिक कर दिया तो आप उनका ईमेल और उनका नाम आपके पास पहुंच जाएगा लेकिन अगर आप इनको अनटिक करते हैं तो वो बॉक्स ही नजर नहीं आएगा उनको अपना रेडिट uh, देखा है जिस जिसने रेडिट देखा है तो उसने गौर करा होगा रेडिट पर के, uh, होते नीचे के, उसके नीचे कमेंट उसके नीचे कमेंट इस तरह करके ठीक है तो वो अप टू फाइव लेवल्स तक मैंने सेट करे हुए आप लोग ये देखें जैसे इस कमेंट के नीचे एक और ब्रांच है की, तो ये two, two right sure ये आर टू टू लेवल्स लेवल्स राइट नाउ आई एम श्योर चार पांच तक जा रहा तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल तो ये फाइव नेस्टेड कॉमेंट्स की लेवल डी मैंने रखा हुआ पे ब्रेक कॉमेंट्स इन टू पेजेस ट्वेंटी टॉप लेवल अच्छा ये चीज आपको नहीं करनी है आपको अनटेक रखना है उसका वजह क्या है कि अगर बहुत कभी कभी क्या होता है स्पैमिंग शुरू हो जाती है और फिर अगर आप इतने सारे कमेंट्स को सेफ रख करना शुरू कर दो और इस लेवल तक तक ले जाओ कि 20 पेजेस और इस तरह की कहानी तो फिर वो पेज इल्फ लोड देर से होता है और साइड स्पीड स्लो होती है तो यू यू डोंट वांट टू अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग ठीक है ई मी वेन एवर ये दोनों को टेक चेक रखो ये कोई दिस इज नथिंग जो मैं डिस्कस करूँ एक्सप्लेनेटरी है बिफोर कॉमेंट्स इसको भी अनटेक रखो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कॉमेंट मॉड्रेशन होल्ड अ कॉमेंट इन द क्यू इफ इट कंटेन्स वन और मोर लिंक तो ये बाई डिफॉल्ट तुम लोग का टू हुआ हुआ होगा इसको वन करो मैं बताता हूँ क्यू टू हुआ हुआ होगा तो एक कॉमेंट ऑटोमेटिकली uh, कोई भी कॉमेंट जो सिर्फ एक लिंक पोस्ट कर रहे है अपने कॉमेंट के साथ मतलब बैक लिंक अपनी वेबसाइट का भी पोस्ट कर सकता है तो उसका कॉमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा मैंने इसको टू करके वन कर दिया और आप लोग को इसलिए वन करना है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पैमिंग शुरू हो जाएगी हर कोई बोलेगा कि ये, अच्छा मतलब ये आर्टिकल बहुत अच्छा है मतलब जो आर्टिकल लिखा होगा ये आर्टिकल बहुत अच्छा अच्छा है लेकिन इससे ज़्यादा आर्टिकल जो है ना मैंने यहाँ पढ़ा हुआ है और वो अपनी वेबसाइट के बारे में बात कर है तो यू यू वॉन्ट टू अवॉइड दैट फ्रॉम है ऑर्डर टू डू आपको क्या करना होगा आपको यहां से बेसिकली um, डिलीट करना होगा आई I मीन mean, uh, आपको होल्ड करने वो कॉमेंट जो एक लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हो फिर आप लोग को खुद से चेक करना होगा कि अगर कोई क्वालिटी कमेंट है विद बैक लिंक, तो चलो ठीक है मैं शायद इजाजत दे दूं लेकिन अलाउ कॉमेंट ब्लैक लिस्ट बहुत जैसे मैंने बोला घटिया कॉमेंट्स आ रहे होते हैं और बेकार कॉमेंट्स आ रहे होते हैं तो आप लोग के पास एक ब्लैक लिस्ट होना जरूरी है उस ब्लैक लिस्ट के लिए मैंने आप लोग को स्लाइड के ऊपर एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है वो ये है ये आप लोग ब्लैकलिस्ट में ऑटोमेटिकली एड करोगे तो बहुत सारे कॉमेंट ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड हो जाएंगे जो पोस्ट ही नहीं होंगे जैसे इस तरह का कोई नाम लिया जाएगा ठीक है जैसे यहाँ पे सारे लिखे हुए ठीक है ये वेबसाइट uh, से ली भी है पूरी एंड जस्ट कॉपी एंड पेस्टस्ट ठीक है तो आप लोग काफी आधा काम आसान हो जाएगा रिगार्डिंग एवर्टास शो एवर्टास के ऊपर क्लिक टिक कीजिएगा मैक्सिमम रेटिंग जी रखिएगा सुटेबल फॉर ऑल ऑडियंसेस डिफॉल्ट एफटार ब्लैंक रखिएगा मिस्ट्री पर्सन नहीं रखिएगा और कोई गेवटार या कोई और जनरेटेड ऑटोमेटिक जनरेटेड मत रखिएगा ग्रेविटार uh, या एवटार कोई भी चीज उसका रीजन है उसका रीजन ये है कि अगर आपके कमेंट्स पूरी साइट पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये इन छोटी छोटी पिक्चर्स की वजह से आपकी ओवरऑल साइट स्पीड स्लो होगी यू डोंट दैट है अगर कोई कोई बंदा अपने किसी नाम से नहीं आ रहा किसी चीज के से नहीं आ रहा, तो आपको ये ब्लैंक रखना है ओके सो दिस को बताया हुआ चीज या परमा लिंक्स परमा लिंक्स के बारे में क्या है एंड दिस प्लेज रोल इन द ऑन पेज एसईओ पार्ट ठीक है वर्ड प्रेस एड्स अ लॉट ऑफ अनू योर एंड यू डोंट दैट फ्रॉम है आप कोई पोस्ट बनाते हो और अगर आप लोग में से मैं समझता हूँ आधे लोगों ने एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट लोगों ने वर्ड प्रेस यूज करोगे जब आप लोग कोई पोस्ट बनाते हो कोई भी पोस्ट बनाते हो तो बाई डिफॉल्ट आपके उस पोस्ट को ये आखिर में देख आप लो आप लोग दिस इज कॉल्ड स्लग एस एल यूजी स्लग जो आखरी स्लैश के बाद जो आपका पूरा लिंक आ रहा होता है जो आपके पोस्ट से या किसी भी चीज से जनरेटेड होता है आपका पेज का भी यू का आखिरी वो हिस्सा हो सकता है उसको हम लोग स्लग बोलते हैं जो स्लग जनरेट करता है वर्ड वो ये जनरेट करता है इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान है ठीक है उसका नुकसान बेसिकली ये है कि जब आप स्लग इस तरह का जनरेट कर रहे होते हो और आपकी लेट्स सपोज आपका जो आ, जो वेबसाइट नेकेड लिंक है आपका उसका आपका जो टाइटल है जो कंटेंट है बेसिकली जो आपने लिखा है उसका टाइटल है टॉप टेन मेट्रिस ठीक है टॉप टेन मेट्रिस फॉर पीपल विद बैक पेन एग्जांपल तो आपका ये जो पूरा टाइटल है ये आप शुड रिफ्लेक्ट बैक इन द स्लग दिस इज अटबैक अगर आप नहीं करते तो गूगल को ये बात समझ नहीं आती बिकॉज इवन दो आप टैग प्रोवाइड करते हो तो सही है मतलब कुछ ना कुछ वहां पे हेल्प हो जाती है गूगल को लेकिन यू नीड टू डू थ्री सिक्सटी डिग्री इन ऑर्डर टू डू दिस अगर आप स्लग्स करते तो गूगल को इशूज होते हैं एग्जैक्टली exactly समझने में कि आपका ये लिंक जो है एग्जैक्टली exactly क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है लोगो को वॉट इज इट अबाउट और आपके मेन कीवर्ड्स इस मेन लिंक में इंक्लूड होने जरूरी हैं ताकि आप टॉप टेन पेजेस में आ सको ठीक है तो दिस इज आप कोई भी एक ऐसी वेबसाइट मुझे बता दो जो टॉप टेन पेजेस में बैठी हुई हो विद दिस टाइप ऑफ स्लग और ये बाय डिफॉल्ट गूगल ये प्रोवाइड करता है तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग फॉर द पोस्ट दैट हैज अ टाइटल गेट योर फ्री कोर्ट नाउ गेट योर फ्री कोर्ट नाउ मैं बोलता हूँ यहाँ पे फ्री कोट नाउ यहाँ पे आना चाहिए था एज अ स्लग ठीक है इन ऑर्डर टू डू दिस व्हाट यू नीड टू डू आपके कमेंट्स चैट मैंने आपको बताया तो ड्रॉप बैक ये कि आप रैंक सही नहीं होंगे आपके स्लग सही नहीं होंगे तो आप रैंक नहीं सही होंगे स्लग को सही कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ यू हैव टू गो इन द परमा लिंक सेक्शन ये देख रहे हैं आप लोग सेटिंग्स में परमा लिंक्स परमा लिंक में जाना है आप लोग को और परमा लिंक्स में जाने के बाद आपका बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ये हुआ हो आप हुआ होगा होगा प्लेन प्लेन आप आप लोग लोग का को सबसे नीचे जाना है ये आपको पोस्ट नेम करना है या आपको कस्टम स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है अब आ जाता है पोस्ट नेम और कस्टम स्ट्रक्चर कस्टम स्ट्रक्चर मैंने क्यों सेलेक्ट करा हुआ है और आपको ये कोड डालना है एज इट इज जो मैंने डाला हुआ है <coughs> अगर आपकी साइलोड वेबसाइट है तो आपको ये डालना है कोड कैटेगरी एंड पोस्ट नेम और अगर आपकी निश्च स्पेसिफिक है तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ पोस्ट नेम डालना है अब इसका रीजन क्यों है मैं आपको बताता हूं दिस इज ऑन पेज एस सीओ बाई आप लोग तो काफी सारे इंथोजियस्ट है इस बात के लिए ना कि मतलब मैं आपको बताऊं कि भाई एस के दो फॉर्म्स है और किस तरह मैं ऑन पेज एस के बारे में बात कर रहा this is basically an on page seo tactic and this is a very prominent one basically jo uh, webmasters use kar rahe hote hain category agar aap if you go back to the uh, siloed website structure jo maine aap log explain kara tha तो आप लोग याद करें मैंने आप लोगों को बताया था कि साइलोट स्ट्रक्चर साइलोट साइट में आपकी कैटेगरीज होती हैं कैटेगरीज के नीचे उसके बेसिकली सब कैटेगरीज होती हैं right? तो आप basically एक तरह से एक डायरेक्टरी बना रहे हो पीछे की साइड को छोड़ दो ये दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट आप कैटेगरी डाल के अंदर ये पोस्ट नेम आ रहा है दिस इज हैपनिंग ओवर ये हो रहा है यहां पे ठीक है अगर आप बना रहे हो तो आपको इस चीज की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जैसे कि मैंने आप लोगों को ब्लेंडर वर्सेस का बतक दिखाया था ब्लेंडर वर्सेस एक निश साइट है दिस इज नॉट अ साइलोट साइट ठीक है और इसको कैटेगरीज की जरूरत नहीं है जैसे ये देखो ऊपर देखो जरा इधर चेक करो blenderversus.com डायरेक्टली क्या नाम आ रहा है जो के इसने रखना था अपना स्लॉग पोस्ट नेम बेस्ट ब्लेंडर हंड्रेड डॉलर इन दार्केट उससे पीछे कोई कैटेगरी नहीं आ रही है आप चेक करो कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही है तो गोहेड आप सिर्फ पोस्ट नेम डाल दो और ये चीज मैंने अपने यहां पर लिखा हुआ ठीक है फॉर साइलोट साइट आपको ये चाहिए फॉर निश्चित ये चाहिए ठीक है अब प्लगइन्स की तरफ आ जाते हैं तो हम लोग अब प्लगइन्स पहले प्लगइन्स और विज़िट्स का एक बहुत बड़ा सीन होता है हमारे वर्डप्रेस पर और मैं पहले आप लोग को एक आ, एक डिफरेंस बता देता हूं प्लगइन्स और विजिट्स में होता है क्या है काफी लोग कंफ्यूज होते हैं प्लगइन्स और विजिट्स दोनों एनहेंस करते हैं आपकी फंक्शनैलिटी वर्ड वेब, की वेबसाइट की लेकिन प्लगइन्स जो है आप देख नहीं सकते प्लगइन्स बैक एंड पे चल रहे होते हैं आपकी वेबसाइट पे जैसे योस्ट हो गया जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा विज़िट्स जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट पे हेडर फुटर और साइड बार पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं ठीक है दिस इज द दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लगइन्स एंड विजेट्स ठीक है तो प्लगइन्स में अगर आप आते हैं तो uh, मैंने आपको बताया जैसे ये एडवांस खोलता है आपकी वेबसाइट की uh, की थीम या जिसकी भी गो इन टू प्लग सर्च फॉर एक्टिवेट मैनुअली ये याद रखिएगा वेबसाइट या कोई भी प्लगिन अगर आप लोग इंस्टॉल करते हो आज अपनी वेबसाइट पर कोई भी चीज ठीक है वो ऑटोमैटिकली <coughs> वो ऑटोमैटिकली आपको बाई डिफॉल्ट डीएक्टिवेटेड होगी आपको जाके एक्टिवेट करनी होगी तो योस्ट एस की मैं बात कर रहा हूं uh -huh. Yoast SEO की मैं बात कर रहा हूँ ये मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने पास तो इस वजह से मुझे करने की जरूरत नहीं है येरा ठीक है योस्ट एसो दिस इज आप लोग को जाना कहा है आप लोग प्लगिन में जाना है एडन्यू प्लग में जाना है न्यू पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे योस्ट प्लग लिखना है उफो. Used SEO, used plugin. अब मेरे पास ये देखें तो मुझे इसकी जरूरत है नहीं ठीक है? है इसका 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 क्या है है से बहुत बहुत लेकिन वो इसी पे मैं कर साइट मैप मैं आप लोग को नेक्स्ट वो लंबा नहीं है बहुत छोटा सा है मैं आप लोग को बता दूंगा साइट मैप एग्जैक्टली exactly किस तरह के आप वो बनाते हो आपका साइट मैप एनेबल हो जाएगा एड अनदर प्लग इन जिसका नाम है जेट पैक फॉर वर्ड प्रेस अब हमारे पास कुछ प्लग इन होते हैं जो पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं कुछ सेमी पेड होते हैं मतलब उसका कुछ हिस्सा फ्री होता है कुछ हिस्सा पेड होता है तो जेट पैक इंस्टॉल करने के लिए आई वुड से कि आप इसको डाउनलोड कर लो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी पे जाना है वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी पे जाने के बाद आपको जेट पैक प्लग इन लिखना है गेट गर्ड प्रेस और सॉरी oh, ये आ जाएगा जेट बाय प्रेस इसके ऊपर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पे डाउनलोड दबाना है डाउनलोड जब कर लोगे तो इसकी फाइल, यहाँ पे पे। इस फाइल को डाउनलोड कर जाने के बाद आपको टॉप पे जाना है और अपलोड प्लग पे दबाना है यहाँ पर प्लग इंस एड पे जाने के बाद अपलोड प्लग पे जाना है अपलोड प्लग पे जाने के बाद चूज फाइल करनी है फाइल को चूज करने के बाद जहां पे भी ये प्लगिन आपका है डला हुआ उसको डालना है इंस्टॉल ना हो दबाना है के बाद, फिर से में और इंस्टॉल प्लग इन्स में जाने के बाद आपको दोनों प्लगिन योस्ट एस ये डीएक्टिवेट हुआ हुआ होगा इसको एक्टिवेट करना है ये अभी एक्टिवेट हुआ हुआ ये मैंने कर दिया है ठीक है और ये भी डीएक्टिवेट हुआ हुआ होगा इसको एक्टिवेट करना होगा इस पर क्लिक करके एक्टिवेट कर दीजिएगा ये दोनों आपके एक्टिवेट हो जाएंगे That is it. मैं users आप को बाद में बता रूंगा किस तरह क्या करना है जस्ट गेट रेडी विद ऑल हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे with things. आगे चलते हैं सॉरी uh, ये वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को विजिट्स नाउ रिगार्डिंग विजिट जो मैंने आप लोग को बताया था कि विजिट्स की खास बात यह होती है की विजिट जो है वो आपके साइड बार को फुटर को और हेडर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लेकिन हेडर और फुटर में विजिट्स अभी नहीं आ रहे होंगे हमारे पास हेडर और फुटर में विजिट्स को लाने के लिए आपको या तो आपको कोडिंग करवानी पड़ती है या आपको कोई प्लगइन्स वगैरह चाहिए होते हैं लेकिन मैं अभी आई वॉन्ट बी गोइंग टूवर्ड्स दैट अभी हम सिर्फ साइड बार के साथ खेल रहे होंगे सही और फुटर फुटर में भी आप एड कर सकते हो तो अब अगर मैं uh, एक मिनट रुकिएगा एक्सपीरियंस सब्जेक्ट्स कहां चला गया यू कैन डू दैट इफ यू वांट अच्छा तो अब यहां पर आप जैसे देख सकते हैं और मेरी वेबसाइट मतलब आप लोग की जो अपनी वेबसाइट होगी उस पर आप लोग अपने राइट हैंड साइड पे चेक करिएगा पहले क्या आ रहा है सर्च बार आ रहा है राइट यहाँ आ रहा है सर्च बार अब यहाँ से कुछ भी उठा के मैं बाहर करता हूँ तो अब इसको मैं रिफ़्रेश करूंगा तो चेक करते हैं क्या होता है सर्च बार हट गया आपका ठीक है मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कैलेंडर ऐड करता हूँ टॉप पे सही है और मैं चाहता हूँ रिसेंट पोस्ट के नीचे आए कैलेंडर और मैंने इसको इस तरह अरेंज कर लिया और ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिसेंट पोस्ट के बाद कैलेंडर आ रहा है यहाँ पे ठीक है mm. तो इसको आप पूरा अपने लिहाज से सेट कर सकते हो जैसे भी आप चाहते हो और जैसे आप देख रहे होते हो कि बाकी दूसरी बड़ी वेबसाइट्स ने अपना जो है ना राइट हैंड साइड पे जिस तरह रखा हुआ होता है यू कैन कीप इट द सेम वे ठीक है आप लोग के जो कॉम्पेटेटर्स हैं आप लोग को ये देखने की जरूरत है कि उन्होंने अपने साइड बार्स पे क्या रखा हुआ है किस तरह रखा हुआ है और आपको भी उसी तरह रखने की जरूरत है ठीक है आगे बढ़ते हैं

आप लोग के पास यहाँ पे ये कैटेगरीज एडिट नहीं होंगी एक बाई डिफ़ॉल्ट वर्ड प्रेस की कोई कैटेगरी एडिट होगी और इस कोई भी कैटेगरी अगर आपको ऐड करनी है अब जैसे हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं सिर्फ आप लोग को मैट्रिस ट्विन मैट्रिस ए मेट्रिस अगर मेरे पास एयर मैट्रिस नहीं है और आप लोग को एयर मैट्रिस ऐड करना है तो आप लोग को नई कैटेगरी ऐड करने के लिए सिर्फ यहाँ पे एयर मैट्रिक एड करना है यहाँ पर एयर मैट्रिक स्लग एज आई सेड ये फ्रेंडली होता है आपका जो आपके वेबसाइट के आखिरी का हिस्सा दिखा रहा होता है जैसे इस पेज पे ये एडिट है एडिट टैग्स ठीक है तो ये इनका स्लग है क्वेश्चन मार्क के बाद ये इनका इट्स इट्स नॉट नॉट नेसेसरी ये बस वो है ठीक है तो दिस इज द मेन वो तो एयर मेट्रिस हो गया इसमें ठीक है और आपने सिर्फ इसको एड कैटेगरी करना है ऑटोमेटिकली ये इधर आ जाएगा ठीक है ये कैटेगरी बहुत जरूरी हैं आप लोग को पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरीज क्या हैं आपके साइलोस क्या हैं उन साइलोस के लिहाज से आप अपने यहाँ पे सारे सारे साइलोस ऐड कर दें ठीक है सारे इसके सारे साइलोस आप यहाँ पे ऐड कर दे मैंने जैसे आप लोग को एमेजोन एफिलियट में मैंने आप लोग को आ, आउटडोर रिक्रिएशन की कैटेगरी से चीजें दिखाई थी तो इफ आई वो यू तो मैं आउटडोर रिक्रिएशन में मैंने क्लाइंबिंग आ जाएगा आ जाएगा, और शायद एक और कोई चीज आ जाएगी मैं वो कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कर दूंगा ठीक है एंड सेम गोज फॉर यू यही चीज आप लोग करने की जरूरत है तो ये जरूरी नहीं है ये आगे बढ़ते ट यो कि आप लोग को एड करना जरूरी है अगर आप लोगों के पास ये नहीं होंगे तो आप लोग का जो एमेजोन एफिलियट अकाउंट है आई I मीन mean, जो आप लोग अप्रूव अप्रूवल प्रोसेस के लिए जो जाएगा आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपके पास ये सेक्शन नहीं होते इसके अलावा शायद हो सकते हैं कोई और लेकिन मेन सो सेक्शन ये जो मैंने ज्यादातर वेबसाइट्स पर देखे

कि दूसरी साइट्स ने आपके कंपेटिटर्स ने किस तरह करा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग जब बैठे हुए उन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली है अपने एंड पे ठीक है सो दैट बीइंग सेड ये मैं आप लोग को एक बार सिर्फ करके दिखा देता हूँ किस तरह पेजेस में गए ऑल पेजेस पे गए वो अनकेटेगरी बाई डिफॉल्ट इज अन को तो, तो आप रीनेम कर दोगे ना मैंने आपको बताया तो था कि अन बाय डिफॉल्ट आप लोग के पास आ रहा होगा जो वर्ड प्रेस का बना हुआ होगा आप लोग उसको एडिट करो और अपने मर्जी का साइलोट वो डाल दो टाइटल डाल दो और उसका स्लग डाल दो या तो उसको डिलीट कर दो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप उसका नाम एडिट कर दो ठीक है तो यहां पर आ गए हम ये तो खैर ये ड्राफ्ट में तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टू ठीक है प्राइवेसी पॉलिसी का मैंने एक ऐसी लॉरमेम का वो बनाया हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी ये प्राइवेसी पॉलिसी मैंने नाम रखा ठीक है प्राइवेसी पॉलिसी नाम रखने के बाद अच्छा वे, पहले मैंने इसका नाम पेज थ्री रखा हुआ था इसका नाम मैंने पेज थ्री रखा हुआ था और फिर मैंने इसको पब्लिश कर दिया था बेसिकली ठीक है एक मिनट रुकिएगा मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ ठीक है अब मैंने इसको क्योंकि नाम पहले पेज थ्री रखा हुआ था तो इसने बाय डिफॉल्ट जो स्लग है वो उसने खुद से उठा के बना दिया तो यू नीड टू एडिट दिस ठीक है ये आपका परमा लिंक है तो इट शुड बी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छा ये भी मैं बता दूं क्योंकि मैंने आप लोग के परमा लिंक सही करवा दिए तो ये ऑटोमेटिकली बन जाया करे, करेगा ठीक है तो आप लोग को जरूरत नहीं है लेकिन जो आप लोग पहला नाम है तो होता है सेक ऑफ uh, एक ऐसी uh, ड्राफ्ट पेज बनाने के लिए होता है ऐसी रफ पेज एग्जाम्पल uh, दिखाने के लिए तो लॉरमि से मैंने उठा के पूरा टेक्स्ट डाल दिया आप लोग को दिखाने के लिए और क्या आप ये चाहते हो कि इस पेज के ऊपर कॉमेंट्स आए नहीं चाहते आप तो देन अगेन फिर वही बात कह रहा हूं मैं यू हैव टू स्क्रॉल ऑल द वे डाउन आफ्टर आप लोग यहां से स्क्रॉलबल कर दोगे ये चीजें डिस्कशंस कमेंट्स लग ऑथर कैटेगरी टैग्स पेज ये सारी चीजें आप लोग के पास आ रही हो नीचे तो आप लोग सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे और सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोग अलाउ कमेंट्स के ऊपर से टिक हटा दोगे और अगर आप कोई ऐसा पेज बनाते हो जिस पे आप लोग चाह रहे हो कि कमेंट्स अलाउड हो तो आप लोग इसके ऊपर सिंपली टिक लगा दोगे ठीक है

shopify के थ्रू जो करते हैं वो पेजेस बना के करते हैं इफ यू कि प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस जो मैंने आप लोग को बनाना सिखाए थे तो लोग पेजेस पे जाके जो है ना अपना पूरा कंटेंट बनाते हैं amazon affiliate का ऑन shopify राइट right? ऑन shopify तो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूं आ, आ, इसकी अगर कोई करना चाहे ऐसा और किसी को कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पता चली है और उसको अगर इसको कैटेगराइज करना है अब आप लोग ये देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी आ रही है लेकिन इस कैटेगरी को लाने के लिए मैंने सबसे पहले ये मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करा था जिसका नाम है ऐड कैटेगरी टू पेजेस ठीक है इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आपके पास ये प्लगइन एनेबल कर दे नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप लोग अभी भी जाके देख सकते हो आप लोग के पास यहाँ पे पेजेस पे कैटेगरी नहीं आ रही होती है तो आप लोग पेजेस को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मेरा ये वाला पेज जो है किस आर्टिकल के अंदर कैटेगराइज हो बाई डिफॉल्ट ठीक है तो ये करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये प्लग इंस्टॉल करो और इस प्लग को आप लोग जब एड कैटेगरी तो पेजेस लिखोगे तो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा अभी शायद इसलिए ना आए आ आगे बल्कि एक्टिव है ऑटोमेटिकली ये देख सकते हैं ऐड कैटेगरी टू पेजेस सही है और uh, ये फिर आपके एनेबल कर देगा ठीक है आगे चलते हैं साइट मैप सो वी गो टू क्लोज द टॉपिक ओवर हियर साइट मैप पर बिकॉज़ टाइम क्या हो रहा है इलेवेंट फोरटी टू यस वी रियली नीड टू फिनिश दिस ऑफ़ राइट नाउ

सर्च फॉर योर कॉन्टेंट के आपके वेबसाइट पे रोज ऑन डेली बेसिस कितना कॉन्टेंट आया है और उनको क्रॉल करवाना है ठीक है तो पीपल डू इट थ्रू एच डी एम एल साइट बट वी गोइंग टू डू दिसमएल एंड फॉर दिस वी नीड योस्ट एस मैंने आप लोग को प्लग इन करवाया था ये हिस्सा मैं आप लोग को नेक्स्ट बार कर स्टार्ट करवाऊंगा उसका रीजन है उसका रीजन ये है कि मेरे पास इसका जो था स्क्रीन शॉट था और uh, मैंने ये बेसिकली योस्ट मैं जाके देखा तो यहाँ पे साइट मैप आ रहा होता था एंड फॉर सम रीज़न इन्होंने ये अपडेट कराए और अब इन्होंने यहाँ से साइट मैप्स हटा दिया है एंड इट लुक्स लाइक फ्रॉम द लुक्स कि मे बी ये इसको प्रीमियम पे ले गए हैं पेड पे तो मैं अभी कोई ऐसा सलूशन ढूंढ रहा हूँ कि आप लोग जो हैं इसको फ्री पे लेके जा सके और आप लोग अपनी साइट मैप को जो mm -hmm. है ना ऑटोमेटिकली अपलोड करवा दें होता क्या है मैं अभी आप लोगों को दिखा दिखा दूंगा मैं बाद में जब एक बार मैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन साइट मैप से स्टार्ट करूंगा मैं कि जब आप लोग अपना साइट मैप अपलोड करवाते हो इट इज मोर और लेस लाइक और आप लोग ने शायद सुना होगा आप लोग जैसे ई कॉमर्स साइट चला रहे होते हो तो आप लोग को पता है ना ये बात कि जब आप गूगल शॉपिंग एड्स के ऊपर जाते हो तो आप लोग को अपना प्रोडक्ट फीड देना पड़ता है प्रोडक्ट कैटेलॉग देना पड़ता है गूगल को गूगल को बताना पड़ता है कि देखे ये प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं ये लो गूगल ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं और जब फेसबुक पे आप अगर आप जाओ आ, 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 चलाने के लिए तो वहां पे कैटेगलॉग सेल्स होता है अगर आप लोग तो को याद हो तो कैटेलॉग सेल्स जो होता है जो कन्वर्जन के नीचे जो ऑब्जेक्टिव होता है वहां पे सेल्स होता है उसमें भी आपको एक एग्जाम्बल फाइल देनी होती है फेसबुक को कि फेसबुक दिस इज माय प्रोडक्ट फीड ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर तो आप उस उस लिहाज से फिर वो जो है ना कन्वर्जन एड्स चलाता है उस ऑब्जेक्टिव के साथ सिमिलरली एक्सएमएल फाइल आप यहाँ पे भी दे रहे होते हो गूगल को कि गूगल हेयर इज माई साइट मैप और जैसे जैसे मैं कोई चीज अपडेट करता रहूंगा साइट मैप एक्सएमएल में ऑटोमेटिकली आप बस एक लिंक प्रोवाइड करते हो और ऑटोमेटिकली गूगल को सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड मिलती रहती है बाय डिफॉल्ट ठीक है आपको कुछ इसमें खच्चल को करने की जरूरत नहीं होती ऑटोमेटिकली चीजें इंडेक्स होती रहेंगी ऑटोमेटिकली गूगल को सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी हाउ इस चीज को सही से देखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि यूज ऐसी हाउ थिंग्स आर डिफरेंट नाउ बिकॉज वो मेरे जो स्क्रीनशॉट था इज नाउ अपडेटेड इज यूज नाउ ठीक है वो uh, यहाँ पर एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly यहाँ पर आ रहा होता था सर्च अपीरियंस और सोशल के बीच में कि आप जो है ना साइट मैप के ऊपर क्लिक करो और डायरेक्टली आप वो कर सकते हो

यस आई थिंक वील नीड टू एंड द सेशन ओवर हेयर बिकॉज अभी उसका ये मैसेज आया हुआ है कि प्लीज़ डू इट ए एस ए पी बिकॉज उसकी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइज आई नीड टू एंड दिस सेशन ऑफ ओवर हेयर ठीक है और फिर अंटिल नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा लम्बा होगा और ये मैं आप लोग को uh, सिर्फ वही नहीं हाँ जी साजिंग में आप लोग ओके okay. एक मिनट रुकीयेगा Thanks for reminding me. <laughs> guys. ठीक है ये मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया लिंक ये वही एक लिंक है जो हमेशा मैं आप लोग को देता हूँ बिटली का प्रोवाइड कर देता हूँ You've got to be kidding me! Why wow, you've said your quota create free account? अच्छा ये मैं अब पीएम के ग्रुप में दे देता हूँ रुको एक मिनट ठीक है ये आप लोगों को दे, दे देंगे अच्छा कर दिया शेर कर दिया शेर ओके थैंक यू तलाल ओके गाइस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम ठीक है और नेक्स्ट सेशन हम लोग थोड़ा लंबा कर लेंगे इसके ऊपर और चीजें रैप अप कर लेंगे जितनी ज्यादा कर सकें ओके अल्लाह हाफिज थैंक यू